आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जनसरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में उन्नति लाएंगे, बदलाव लाएंगे। और आज उन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रविंद्र जी गोंडा से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं मैम। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मैंने जैसे आपको बताया कि आईपा बेसिकली प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करता है, उन मुद्दों की बात करना चाहता है जो देश में बदलाव लाएंगे, जो उन्नति लाएंगे, तो इस मुहिम के बारे में आप पहली बात क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपका ये सिस्टम है अभी शुरुआती दौर में है, देखने में पॉजिटिव लग रहा है, परंतु दो लेवल होते हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, जिसको आप हायर लेवल कहते हैं, और जब तक वो लोअर स्टार्ट होगा यानी निचले लेवल को पूरा नहीं करेगा, साथ को लेकर नहीं चलेगा, तो ये महज एक कल्पना होगी। हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है जो आप अभी बता रहे थे कि डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी सबका अधिकार होता है, उसमें छोटा बड़ा समान होता है। यदि ये समानता हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जो आप सोच रहे हैं वो पूरा हो। सर, अगर हम राजनीति की बात करें तो जिस तरीके के तौर तरीके भी अपनाए जा रहे हैं, जो भी तरीके प्रचलन में है, आप उससे कितना संतुष्ट है या नहीं है? कुछ हद तक संतुष्ट है, परंतु फिर वही बात आती है, अपने लिए सब कुछ है और आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं है। मैं 60 साल नौकरी करूंगा, मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, मेरा बुढ़ापा कहाँ जाएगा, बच्चा साथ दे ना दे, कोई एक मिनट जो है कहीं मंत्री हो जाए या कोई सांसद हो जाए, 4-4, 6-6 बार पेंशन लें, तो क्या बात है? हमारा जो पेंशन का मुद्दा है, ये खैरात तो नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लीगलिटी बनती है हमारी, और इन्हीं चीज़ों से जो है इनका सिस्टम कुछ शायद हिल भी जाए। सर, राजनीति की अगर हम बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, अभी आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन और राजनीतिक विपक्षी दलों की भी हम बात करें तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, तो आपको क्या लगता है कि ये सारी पार्टियाँ कितनी लोकतांत्रिक हैं एक्चुअल में? ये बहुत बड़ा सवाल है, इंडिया से बाहर भी चला जाए तब भी ये पूरा नहीं हो पाएगा, कोई भी पार्टी लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकती। ये ऐसी वो है प्लेटफार्म जहां अपने आप को लोकतंत्र से दिखावे में लिया जाता है, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सर, अभी जब विधानसभा चुनाव आने वाले कुछ ही महीनों में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से मुद्दे होने चाहिए जिस पे वोटर्स को अपने प्रत्याशी को चुनना चाहिए? देखिए, एक तो इन्होंने किसान आंदोलन चलाया बहुत जबरदस्त तरीके से और सरकार झुकी, और आज का आंदोलन ये है उसमें भी सरकार बहुत झुकती नजर आ रही है, लगता है झुक जाएगी। और जब तक समानता वाली भावना ऊपर से नीचे तक ना आए तब तक ये ऐसा होता रहेगा, आंदोलन होते रहेंगे। और आज की जो पीढ़ी है नई, शिक्षा को क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, एक दिन ये अपना बदलाव खुद ले आएगी, इसमें बहुत समय लगेगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।